हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीके अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में रोचक तथ्य और कुछ अनोखी जानकारियाँ। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। घृष्णेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नजदीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर मीर दूर वेरुल गांव में स्थित है। घृष्णेश्वर मंदिर को कभी कभी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और धुष्मेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है और साथ ही शिव पुराण में वर्णित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक है। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। घृष्णेश्वर शब्द का अर्थ करुणा के स्वामी से है। यह मंदिर हिंदुओं की शैववाद परंपरा के अनुसार महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। शहर से दूर स्थित यह मंदिर सादगी से परिपूर्ण है। यहाँ पर भी धारेश्वर शिवलिंग स्थित है। यहीं पर श्री एकनाथ जी के गुरु श्री जनार्दन महाराज जी की समाधि भी है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप ही स्थित हैं। घृष्णेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में वेरुल के ही मालौजी राजे भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा के द्वारा तथा पुनः 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था, जिन्होंने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर तथा गया के विष्णुपद मंदिर तथा अन्य कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। कहा जाता है एक बार भगवान घृष्णेश्वर की कृपा से मालौजी राजे भोसले को, जो कि भगवान शिव के परम भक्त थे, को सांप के बिल में छुपा हुआ खजाना मिला। उन्होंने खजाने से मिले सारे पैसों का उपयोग मंदिर और शिखर सिंगापुर के उद्धार और पुनर्निर्माण में किया। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे कुमकुमेश्वर के नाम से भी संदर्भित किया गया है। इस मंदिर को इसके चित्ताकर्षक शिल्प के लिए भी जाना जाता है। यदि क्रम की बात करें तो हिंदुओं के लिए घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा का मतलब होता है 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का समापन। घृष्णेश्वर दर्शन के बाद द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा को पूर्णता प्रदान करने के लिए श्रद्धालु काठमांडू नेपाल स्थित पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। वर्तमान में यह हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण और सक्रिय धार्मिक स्थल है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में कोई भी प्रवेश कर सकता है, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए हिंदू परंपराओं का पालन करना अनिवार्य है। यहां केवल खुले बदन वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाता है। यह मंदिर 240-185 फीट में बना भारत का सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग भी है। मंदिर के बीच में भगवान विष्णु के दशावतार का चित्रण भी किया गया है। मंदिर के हॉल का निर्माण 24 पिल्लरों से किया गया है। इन पिल्लरों पर आज भी हमें प्राचीन समय के शिलालेख और हस्तलिपियां दिखाई देती हैं। गर्भगृह 17x17 फीट फैला हुआ है, जहां भगवान शिव के पिंड का मुख पूर्व की तरफ रखा गया है। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन समय के हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया गया है। शिव महापुराण के अनुसार घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। यद्यपि उस ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण का कोई कष्ट न था, किंतु उनकी धर्म पत्नी सुदेहा बड़ी दुखी रहती थी। उसके पड़ोसी तथा अन्य लोग भी उसे नी संतान होने का ताना मारा करते थे, जिसके कारण अपने पति से बार बार पुत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना करती थी। उसके पति उस मिथ्या संसार के संबंध में उसे ज्ञान का उपदेश दिया करते थे, फिर भी उसका मन नहीं मानता था। उस ब्राह्मण देव ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ उपाय किए, किंतु असफल रहे। उसके बाद अत्यंत दुख
ही उस ब्राह्मणी ने अपनी छोटी बहन भुष्मा के साथ अपने पति का दूसरा विवाह करा दिया। सुधर्मा ने द्वितीय विवाह से पूर्व अपनी पत्नी को बहुत समझाया था कि तुम इस समय अपनी बहन से प्यार कर रही हो, इसलिए मेरा विवाह करा रही हो, किंतु जब इसे पुत्र उत्पन्न होगा तो तुम उससे ईर्ष्या करने लगोगी। सुदेहा ने संकल्प लिया था कि वो कभी भी अपनी बहन से ईर्ष्या नहीं करेगी। विवाह के बाद भुष्मा एक दासी की तरह अपनी बड़ी बहन की सेवा करती थी तथा सुदेहा भी उससे अतिशय प्यार करती थी। अपनी बहन की शिव भक्ति से प्रभावित होकर उसके आदेश के अनुसार भुष्मा भी शिव जी का 101 पार्थिव लिंग मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। पूजा करने के बाद उन शिवलिंगों को समीप के तालाब में विसर्जित कर देती थी। भगवान शंकर की कृपा से भुष्मा को एक सुंदर भाग्यशाली तथा सद्गुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र प्राप्ति से जब भुष्मा का कुछ मान बढ़ गया तब सुदेहा को ईर्ष्या पैदा हो गई। समय के साथ जब पुत्र बड़ा हो गया तो विवाह कर दिया गया और पुत्रवधु भी घर में आ गई। यह सब देखकर सुदेहा और अधिक जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जिसके कारण उसने अनिष्ट करने की ठान ली। एक दिन रात्रि में उसने सोते समय भुष्मा के पुत्र के शरीर को चाकू से टुकड़े टुकड़े कर दिया और शव को समेट कर वही पास के सरोवर में डाल दिया, जहां भुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंग का विसर्जन करती थी। सुदेहा शव को तालाब में फेंक कर आ गई और आराम से घर में सो गई। प्रतिदिन की भांति भुष्मा अपने पूजा कृत्य में लग गई और ब्राह्मण सुधर्मा भी अपने नित्य कर्म में लग गए। सुदेहा भी जब सुबह उठी तो उसके हृदय में जलने वाली ईर्ष्या की आग अब बुझ चुकी थी, इसलिए वो भी आनंद पूर्वक घर के काम काज में जुट गई। जब बहू की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका पति बिस्तर पर नहीं है। बिस्तर भी खून में सना है तथा शरीर के कुछ टुकड़े पड़े दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य देखकर दूखी बहू ने अपनी सास भुष्मा के पास जाकर निवेदन किया और पूछा कि आपके पुत्र कहाँ गए हैं। उसने रक्त से भीगी शैया की स्थिति भी बताई और विलाप करने लगी, हाय मैं तो मारी गई। किसने यह क्रूर व्यवहार किया है? इस प्रकार वो पुत्रवधु करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उसके साथ हाय ऐसा बोलती हुई शोक में डूब गई। यद्यपि वो ऊपर से दुख व्यक्त कर रही थी किंतु मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। अपनी प्रिय वधु के कष्ट और रोना को सुनकर भी भुष्मा विचलित नहीं हुई और वो अपने पार्थिव पूजन व्रत में लगी रही। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। इसी प्रकार ब्राह्मण सुधर्मा भी अपने नित्य पूजा कर्म में लगे रहे। उन दोनों ने भगवान के पूजन में किसी अन्य विघ्न की चिंता नहीं की। दोपहर को जब पूजन समाप्त हुआ तब भुष्मा ने अपने पुत्र की भयानक शैया को देखा। देखकर भी उसे किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। उसने विचार किया, जिसने मुझे यह पुत्र दिया है वे ही उसकी रक्षा भी करेंगे। वे तो भक्तप्रिय हैं, कालों के भी काल हैं, तथा सत्पुरुषों के मात्र आश्रय हैं। वे ही सर्वेश्वर प्रभु हमारे भी संरक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले माली की तरह जिनको जोड़ते हैं उन्हें अलग अलग भी करते हैं। मैं अब चिंता करके क्या कर सकती हूँ? इस प्रकार सांसारिक तत्वों का विचार कर उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण कर लिया, किंतु शोक का अनुभव नहीं किया। प्रतिदिन की तरह वो ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती हुई उन पार्थिव लिंगों को लेकर सरोवर के तट पर गई। जब उसने पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर वापस होने की चेष्टा की तो उसका अपना पुत्र उस सरोवर के किनारे खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। अपने पुत्र को देखकर भुष्मा के मन में न तो प्रसन्नता हुई और न ही किसी प्रकार का कष्ट हुआ। इतने में ही परम संतुष्ट ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम वर मांगो। तुम्हारी सौत ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं भी उसे त्रिशूल से मार डालूंगा।
घुष्मा ने श्रद्धा निष्ठा के साथ महेश्वर को प्रणाम किया और कहा कि सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, कृपया आप उसकी रक्षा करें। शिव ने कहा कि सुदेहा ने तुम्हारा बड़ा अनिष्ट किया है, फिर तुम उसका उपकार क्यों करना चाहती हो? वो दुष्टा तो सर्वदा मार डालने के योग्य है। घुष्मा हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, देव आपके दर्शन मात्र से सारे पातक भस्म हो जाते हैं। हमने तो ऐसा ही सुना है कि उपकार करने वाले अनिष्ट करने वाले, पर जो उपकार करता है उसके भी दर्शन से पाप बहुत दूर भाग जाता है। सदाशिव जो कुकर्म करने वाला है वही करे, भला मैं दुष्कर्म क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वाले की भी भलाई करना ही अच्छा लगता है। भगवान शिव घुष्मा के भक्तिपूर्ण विकार शून्य स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हो उठ। दया सिंधु महेश्वर ने कहा, घुष्मा तुम्हारे हित के लिए मैं तुम्हें कोई वर अवश्य दूंगा, इसलिए तुम कोई और वर मांगो। उसने कहा, महादेव यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए आप यही सदा निवास करें और आपकी ख्याति मेरे ही नाम से संसार में होवे। घुष्मा की प्रार्थना और वर याचना से प्रसन्न महेश्वर शिव ने उससे कहा कि मैं सब लोगों को सुख देने के लिए हमेशा यहाँ निवास करूँगा। मेरा ज्योतिर्लिंग घुष्मेश के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर भी शिवलिंग का आलय अर्थात घर बन जाएगा और इसीलिए यह संसार में शिवालय के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस सरोवर का दर्शन करने से सब प्रकार के अभीष्ट प्राप्त होंगे। भगवान शिव ने आशीर्वचन बोलते हुए घुष्मा से कहा कि तुम्हारे 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ करेंगे। वे सभी संतानें उत्तम गुणों से संपन्न सुंदरी स्त्रियां, धन वैभव विद्या बुद्धि और दीर्घायु से युक्त होंगे। वे भोग और मोक्ष दोनों प्रकार के लाभ पाने के पात्र होंगे। तुम्हारे 101 पीढ़ियों तक वंश का विस्तार शोभादायक यशस्वी तथा आनंद वर्धक होगा। इस प्रकार घुष्मा को वरदान देते हुए भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में वही स्थित हो गए। घुष्मेश नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई और सरोवर भी शिवालय के नाम से विख्यात हुआ। सुधर्मा घुष्मा तथा सुदेहा ने भी उस शिवलिंग की तत्काल 101 परिक्रमा दाहिनी ओर से की। पूजा करने के बाद परिवार के सभी सदस्यों के मन की मलिनता दूर हो गई। पुत्र को जीवित देखकर सुदेहा बड़ी लज्जित हुई और उसने अपने पति तथा बहन घुष्मा से क्षमा याचना कर प्रायश्चित के द्वारा पाप का शोधन किया। इस प्रकार घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हुआ, जिसका दर्शन और पूजन करने से सब प्रकार के सुखों की वृद्धि होती है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।